हेलो गाइज, विधि फैशन में आपका स्वागत है। आज हम गले का एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने बुकरम के पीस को डबल फोल्ड कर लिया है। हम इसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7+7 इंच लेंगे और 7 इंच पर ऊपर गोलाई में निशान लगा लेंगे। और नीचे 7 इंच का निशान होगा। अब हम 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब हम नीचे भी इसी तरह 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। यहाँ त्रिभुज की शेप में एक निशान लगाएंगे और अब हम एक्स्ट्रा बुकरम को काट लेंगे। और अब हमारी बुकरम तैयार है। हम इसको डबल फोल्ड करके इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। हमारा निशान 6 इंच तक होगा और ये निशान के साथ साथ काट लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको चिपका लेंगे। इसमें कैंची से थोड़े कट लगाए हैं और बाहर वाले हिस्से को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम अपने गले को कुर्ती के कपड़े की उल्टी साइड रखकर सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ किनारे पर होनी चाहिए। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। देखिए, इसमें छोटे छोटे कट करेंगे। और बीच वाले हिस्से को भी काट लेंगे। और अब हम इसको फोल्ड करके कपड़े की सीधी तरफ कर लेंगे। और अब हम इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई बिल्कुल इसके साथ साथ होनी चाहिए। ताकि हमारा डिजाइन सुंदर बने। ये देखिए, हमने एक डबल कपड़ा लिया है। इसको हम अपने गले के नीचे वाले हिस्से की तरफ रखेंगे। हम इसके एक हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई बिल्कुल किनारी पर होनी चाहिए। ये एक हमने छोटा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इसको ट्रायंगल शेप में एक छोटी सी पत्ती बनाएंगे, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसके कपड़े के नीचे रखकर बिल्कुल सीधा एक शेप में रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम सारी पत्तियां बनाकर जोड़ लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे मोती डालेंगे, इससे हमारा डिजाइन अच्छा लगेगा। अब हम एंकर धागे से बार वाले हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल इस कपड़े के साथ साथ होनी चाहिए। और अब हम एक पंजे की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल इसके साथ साथ होनी चाहिए। ये देखिए हमारा गला कितना सुंदर बना है। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।